गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी है, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसी जी जान विचारे करें सिया राम भजन बिन जीवे दुखारी। नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम आज का गुडलक। आज के गुडलक में हम आपको राशियां तो आपकी बताएंगे ही, साथ में आपको एक विशेष जानकारी देंगे कि शुक्रवार को क्या काम करें और क्या काम नहीं करें, जिससे आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएं, और गुडलक टिप में भी आपको एक विशेष उपाय बता देंगे। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का गुडलक। अगर आप अपनी कुंडली के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि मेरी कुंडली में कोई दोष तो नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आने वाली, या जो मैं समस्या से जूझ रहा हूँ उसका छोटा सा उपाय करके कैसे निवारण हो सकता है, तो बिना देर लगाए आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें बताना है, हम जल्दी से झटपट आपकी कुंडली देखकर उसका आपको निवारण और निवाकरण भी बताएंगे। साथ में आप अपना म्यूट करके हमसे बात करें। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पांचा। 1 सितंबर शुक्रवार 2017 पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दशमी तिथि, आज शुक्ल पक्ष। अच्छा, आज का योग जो आयुष्मान योग है, चंद्रमा का भ्रमण धनु राशि में रहेगा, आज का राहु काल का समय रहेगा 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। कोई शुभ कार्य आदि के लिए अगर आपको जाना भी पड़े तो बिना देर लगाए जाएं, मगर थोड़ी इलायची मुंह में रख के चले जाएं, अपने ईष्ट का नाम लेके चले जाऊं, गनगन पते का नाम लेके चले जाएंगे तो राहु काल का दोष भी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं आपकी राशियों, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए क्या सुंदर संकेत हैं, आप अपने परिजन दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। अच्छा, मशवरे के लिए बुजुर्गों की सलाह जरूर लेना भैया, बुजुर्गों को नजरअंदाज आप ना करें, उनका आशीर्वाद ही आपके लिए कल्याणकारी रहने वाला है। पुरोहित जी को गर्म शॉल भेंट दे दें, इससे आपके रिश्तों में मिठास आ जाएगी। बात करेंगे वृषभ राशि। अच्छा, नेत्र के रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं। हम तो कहते हैं आंखें बड़ी अनमोल होती हैं, आंखें बोलती भी हैं, मुस्कुरा भी देती हैं। अच्छा, धूप का चश्मे का इस्तेमाल करें, तांबे की गर्मी से अक्षत या रोली डालकर सूर्य नारायण को जल भी देने से लाभ होता है। बात करेंगे आपकी मिथुन राशि। मिथुन राशि, भूमि मकान भवन का योजना बना सकते हो, उन्नति के मार्ग आपके खुल सकते हैं, प्रशस्त है। अच्छा, साबुत मूंग जो होती है ना, पुरोहित जी को ले जाकर दान दो, इससे ये सफलता आपको अवश्य मिल जाएगी। बात करेंगे कर्क राशि की। अचानक धन का लाभ, अच्छा बहुत ज्यादा उतावले नहीं होना जब धन मिले, और जल्दीबाजी में खर्च नहीं कर देना, शिव को पंचामृत 2 सफेद फूल चढ़ाओ, धन आपका संचय रहेगा, बचा रहेगा। अब बात करेंगे सिंह राशि की। आपको संतान पक्ष के प्रति चिंता रह सकती है, देखो बनी रहेगी। अच्छा, देर रात को उन्हें अकेले बाहर नहीं जाने देना चाहिए, वैसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए, 1.25 किलो चने की दाल गौ माता को खिलाने से लाभ होगा। बात करेंगे कन्या राशि। आज आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की बहुत ज्यादा वृद्धि हो सकती है, शाम को कोई अच्छी खबर सुनने को भी मिल सकती है। अच्छा, छोटी कन्या को भोजन करा दो, 51 रुपए की दक्षिणा भी दे दो, इससे क्या होगा, आपकी जो खबर होगी ना वो निश्चित रूप से महामाई की कृपा आप पे बन जाएगी। अब आज के हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका। डिटेल बताएं, प्रश्न पूछें। गुरु जी प्रणाम, कल्याण हो आपका। मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1963। 17 सितंबर 1963 जी। 16 की रात 17 की सुबह ये, और समय 3:50 सुबह के 3:50 बीकानेर राजस्थान। क्या पूछना चाहते हैं बताएं।
मेरा प्रमोशन कब होना है और उसके बाद क्या पोस्टिंग किसी जगह हो पाएगी, ये दो प्रश्न है। बिल्कुल, कुंडली के आधार पे देखें। देखिए आपके कुंडली में हम दसम भाव देखते हैं आपका। अब यहाँ पर स्थिति आपकी कुंडली में देखने को मिल रही है। एक काम कर लें आप, सबसे पहला आप सवेरे जब उठें पंचदेव उपासना करना शुरू करें। पंचदेव उपासना करें, घर के कोई पास मंदिर हो वहां पर एक वृक्ष लगवा दो, कोई भी वृक्ष लगवा दो जो आपकी श्रद्धा, आपको तुलसी का लगवा दो, केले का लगवा दो, जो आपको श्रद्धा पूर्व मिले, फूलों का लगवा दो, लगवा दो। जल्दी प्रमोशन मिलेगा आने वाली नवंबर के बाद। जय श्री कृष्ण। नरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आप। हरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कल्याण हो आपका। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/10/1989। 17/10/1989। समय और बताएं। समय सर रात को 1 बजे। रात को 1 बजे जी। क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी? मेरा आपसे दो सवाल है कि मैं बिजनेस और कुछ लगा रहा हूँ, बिजनेस के लिए मुझे बताइए। दूसरा, मेरे किस्मत नौकरी है नहीं है, वो उसके लिए मुझे बताइए। कहाँ का जन्म है आपका? मेरा जन्म रानीखेत का। बिजनेस और नौकरी, कृतिका नक्षत्र सिद्ध योग तृतीया। देखो आने वाले समय में अभी आपको सोर्स ऑफ इनकम दो देखने को मिल रहे हैं। 22 तक आपके लगभग दो ही सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे। नौकरी के लिए आप जाना तो चाहते हैं, मजबूरी है ये आपकी, मगर आप सोचते दिमाग में यही है कि मैं कोई ना कोई काम करूं। एक उपाय आप करना शुरू करो, आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। कम से कम 14 बुधवार खीरा केला टमाटर गाय को खिलाओ, बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। जय श्री कृष्ण। युवराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। हाँ जी बताएं, डिटेल बताएं, प्रश्न पूछें। सर 29/7/2003। फिर से दोहराएं एक बार। 29/7/2003। 29/5/2003। समय और बताएं। जन्म तिथि है 29/7/2003। समय बताएं। समय 5:30 AM। कहाँ का जन्म है? जन्म है उदयपुर। क्या पूछना चाहते हैं बताएं? सर मेरा नौकरी देखिए तो होने होगा अगर अगला समय। बिल्कुल, नौकरी के लिए आप चिंता भी जता रहे हैं। देखिए आयुष्मान योग में जब कोई प्रश्न पूछता है ना, और वो भी रोजगार के लिए पूछता है, तो भृगु ने भी लिखा है आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर ये योग आपका अवश्य बनेगा। अब आपने करना एक उपाय जरूर है, और ये उपाय नियम रूप से करना। पीपल पर सरसों के तेल का दीपक जलाओ, उसमें थोड़े से एक चुटकी उड़द डाल दो, जला के देखो और लगातार जलाओ। कम से कम 43 शुक्रवार व शनिवार जलाओ, बहुत जल्दी आपकी ये जॉब भी लग जाएगी। जय श्री कृष्णा। अगले कॉलर आ गए हमारे साथ। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल्याण हो आपका, जरा जोर से बोले। हाँ पंडित जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ उनकी डिटेल बताएं, फिर प्रश्न पूछें। 20 जुलाई 1988। 20 जुलाई 1988। बर्थ प्लेस इलाहाबाद। समय और बताएं। 1:30 AM। एक बज के 30 मिनट AM। क्या पूछना चाहते हैं बच्चे के लिए? मैं बच्चे की बार ये चीज पूछना चाहता हूँ पंडित जी, शादी उसकी कब तक होगी, शादी होगी या नहीं? बिल्कुल, कुंडली के आधार पर षष्ठी शुक्ल पक्ष परिदा योग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ। अब बात करेंगे लगन के, स्वामी यहाँ स्वयं बैठे हुए हैं गुरु की युक्ति से। महादशा देखकर आपको बताते हैं कुंडली में जो महादशा इस समय चल रही है वो चल रही है राहु की। एक काम करो आप, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पारद के शिवलिंग लाकर रख लो छोटे से। आने वाले 6 महीने में बहुत जल्दी शादी की सहनाई बच जाएगी। जय श्री कृष्णा। कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, बताएं डिटेल। मेरा ही लड़की का पता करना है मैंने जी। उनकी डिटेल बताइए, फिर प्रश्न पूछें। आपकी आवाज नहीं आ पा रही कुलदीप जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट कर दीजिए, फिर हमसे बात करें तो बहुत अच्छा लगेगा। आप टीवी की आवाज कम नहीं कर रहे। जयदेव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयदेव जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, कल्याण आपका। डिटेल बताएं, प्रश्न पूछें। गुरु जी मेरा नौकरी के बारे में पूछना है। अपनी डिटेल बता दें अगर आपको पता है तो। 28/12/1988।
28/12/1988 समय और स्थान बताएं। समय सुबह 4 बजे, जन्म स्थान जोधपुर हरियाणा। जॉब को लेकर आप परेशान हैं, मघा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, पंचमी कृष्ण पक्ष प्रीति योग में जन्म है। अब कुंडली के आधार पर यह बात भी स्पष्ट हो गई है कि तुला लगन की कुंडली है, और लगन के स्वामी की बात करेंगे तो लगन के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हैं, जबकि आपकी कुंडली में गुरु 3 डिग्री के वक्री हो गए। महादशा देखते हैं, आपकी कुंडली में जिस समय महादशा चल रही है वो सूर्य की चल रही है। 125 ग्राम का तांबे का सूर्य बनाए, अपने घर के ईष्ट की दीवार पर स्थापित कर दें, हृदय आदित्य स्त्रोत से उसे अभिमंत्रित भी करा लें। अच्छा, सूर्य नारायण को जल भी दिया करो, तांबे की गर्मी से जल दिया करो, इससे आपकी बहुत जल्दी जॉब भी कारोबार बहुत अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जय श्री कृष्णा। अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते पंडित जी, कल्याण हो आपका। डिटेल बताए, प्रश्न पूछे हमसे आप। 24 फरवरी 96। समय और बताएं, स्थान बताएं। 4:25 AM बीकानेर। क्या प्रश्न है आपका? मेरे 2 सवाल पंडित जी। मेरा पहला सवाल ये है कि मेरे गले में बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं विदेश योग के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, हम क्योंकि वैद भी हैं तो आपको रोग निवारण तो बहुत अच्छे से बता देंगे। आपको एक बात बता दें, हम जब भी केतु के साथ शनि और शुक्र होंगे, जिस कुंडली में भी होंगे, और उसमें एक और बात बता दें, आपकी कुंडली में षष्ठी शुक्ल पर ब्रह्म योग की कुंडली, भरणी नक्षत्र गले से संबंधित होता है। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा बासी चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा आप देर तक खट्टा खा के कुछ पिए, ऐसा कुछ ना कुछ पी लें। अब आपने उपाय क्या करना है, पटोल की 5 ग्राम कीचड़ गले में धारण करनी है आपने, गले में पेंडल की तरह पीले कपड़े में पटोल की 5 ग्राम की जड़ गुरुवार के दिन धारण कर लीजिए। प्रयास कीजिए सूर्य नारायण को जल दीजिए, और पीपल पे भी जल दीजिए, सूर्य नारायण को तांबे की गर्मी से और पीपल को स्टील की गर्मी से काले तेल डालकर, इससे आपकी जॉब भी लगेगी बहुत अच्छी सी और आपका गला भी दुरुस्त होगा। जय श्री कृष्णा। शांति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शांति जी, सुन पा रही हैं हमें आप? शांति जी, लगता है शांति जी से सभी का, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम आज का गुड़। अब बिना देर लगाए तुला राशि वालों के लिए, आज आप अपनी परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ें। अच्छा, शत्रु आपकी अवहेलना कर सकते हैं। गणेश जी को 11 मोदक का लड्डुओं का भोग लगा दो, इससे आपकी सेहत भी दुरुस्त रहेगी और आपकी मनोकामना। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि, मंगल की राशि है। आज विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो सोचेंगे बाहर घूमने चले जाएं, बाहर कहीं। अच्छा, बाहर घूमने जाने से आपको उन्हें बचाने का प्रयास करना होगा। पीपल पर गाय के घी का दीपक जलाओ, ओम हनुमंताय नमः का जाप करो, इससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अब बात करते हैं धनु राशि। अच्छा, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, प्रेम संबंधों की नई शुरुआत करने का मौका आपको मिल जाएगा। खुशखबरी आपकी बहुत अच्छा माहौल आपके लिए बना देगी। केले का वृक्ष ये लगाओ, ये बड़ा कल्याणकारी रहने वाला है आपके लिए। अब बात करेंगे शनि की राशि मकर राशि। देखिए, कार्य क्षेत्र हो बिजनेस हो, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, आपको कम मेहनत से बात नहीं बनने वाली। आने वाला समय आपके लिए, आप योजना भी बना सकते हैं, 125 ग्राम काले तिल का दान आपके लिए देना बहुत ज्यादा हितकारी रहेगा। बात करेंगे शनि की अगली राशि यानी कुंभ राशि। आप घर के लिए सजावट का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऐसी वस्तुएं खरीद के लाओ, इससे आपका मन जो है बना हुआ जो है वो संपूर्ण भी होगा कि भाई चलो मेरे घर में कुछ आ गया। और अपने घर के साउथ ईस्ट में तिल के तेल का दीपक जला लो, आपकी योजनाएं जो है सफल हो जाएंगी। और आज की अंतिम राशि मीन राशि, आज आप अपने मन में नए विचार जो उत्पन्न कर रहे हैं वो सब आपके लोग आपसे सहमत भी होंगे। मंदिर में घंटी दान दे दो, इससे आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। अब अगले कॉलर आ गए हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते पंडित जी, कल्याण हो जी आपका। पंडित जी, हम आज 4 साल से बीमार चल रहे हैं, इतना चेकअप करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन हमको आराम नहीं मिल रहा। आप अपनी डिटेल बताएं अल्पना जी।
जी मेरे जन्मतिथि है 8/1/1982। जी आपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, समय बताएं, स्थान बताएं। जी समय है रात 11 बजे। जी स्थान जन्म कहाँ का आपका? रायबरेली। क्या क्या बीमारी चल रही है आपको? पेट से संबंधित बीमारी है, डॉक्टर कह रहे हैं तुम्हें कुछ है ही नहीं, लेकिन हम बहुत परेशान हैं 4 साल से। बिल्कुल, यहाँ पर हम आपकी कुंडली देखना चाहेंगे, आपके छठे भाव और अष्टम भाव को देखेंगे। यहाँ पर कुंडली में देखिए शुक्र वक्री हुए 14 डिग्री के। महादशा देखते हैं आपकी, महादशा जो इस समय कुंडली में चल रही है वो महादशा शनि की चल रही है। एक काम करो, आप एक शमी का पौधा ले आओ, घर में लगा लो अपने घर के पश्चिम में, और 43 दिन तक लगातार दीपक जलाओ सरसों के तेल का, थोड़े से उसमें उड़द और थोड़े काले तेल डाल दो, नीचे काला कपड़ा भी बिछाओ। पहले आप इस उपाय को करो, फिर इसके बाद हम आपको एक जड़ भी बताएंगे पहनने के लिए, आपकी काया बिल्कुल निरोगी होगी। जय महाकाल। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम धीरज है। जी धीरज जी बताइए। मेरा जन्म है 9/2/84। 9/2/84 समय और बताएं। दिल्ली का जन्म है 12:56 दोपहर को। 12:56 दिल्ली। क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी? मुझे काफी टाइम हो गया, मैं बहुत मेहनत करता हूँ मैं, और सच्ची लगन कथा से पूजा पाठ भी करता हूँ बिना किसी फल के कारण, लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिलता। खूब मेहनत करता हूँ मैं और अपना जो भी मेरा धर्म है उसको पूरा निभा रहा हूँ मैं। 13 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ, जितनी मेहनत करता हूँ उसका मुझे इतना फल नहीं मिलता। मुझे मेरा कब उद्धार होगा, मेरा कब मेरा जीवन आगे बढ़ेगा और कब मेरा जीवन में नया उद्धार होगा, बताएंगे जरा? बिल्कुल, सप्तमी शुक्ल पक्ष शुक्ल योग भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण का जन्म है। देखिए लगन में राहु है और महादशा आपको देखकर बताते हैं, आपकी जो कुंडली में इस समय की महादशा चल रही है वो मंगल की चल रही है 15 से 22 तक। अब आप उपाय पहला यही शुरू कर दीजिए, मंगल की महादशा मंगलवार को ही आप उपाय करना शुरू कर दें। 9 मंगलवार तक चोला प्रदान करें, जनेऊ उसमें अवश्य डाल दें, चांदी का वर्क अवश्य दे दें, 9 बूंदी या लड्डू इनका भोग भी दें, और प्रयास करें कि मंगलवार के दिन 125 ग्राम भुने हुए चने, 125 ग्राम गुड़, 125 ग्राम भुने हुए चने ये भी दें। 9 मंगलवार तक पहले 9 चोले दें, बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सुन पा रहे हैं हमें? सुरेंद्र कौर जी सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी बताइए। मेरी बेटी का 5/11/77। 5/11/77 समय और बताएं। रात के 10:30 दिल्ली। रात को 10:30 दिल्ली। क्या पूछना चाहते हैं बताइए? उसका गृहस्थ जीवन बड़ा अपसेट है। देखिए मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है, नौमी कृष्ण पक्ष ब्रह्म योग। अब ये पितरों का नक्षत्र कहते हैं, कर्क लगन की कुंडली है, लगन में मंगल भी हैं। आपने कुंडली मिलाकर अगर शादी नहीं करी होगी तो उसका उपाय भी बता देते हैं यहाँ पर, क्योंकि शुक्र अस्त हुए कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठकर। एक उपाय कर दो आप, किसी 7 वर्ष की कन्या को पाजेब दे दो, चांदी का पाजेब एक बार दे दो, बहुत जल्दी इनका जीवन मंगल में होगा। जय श्री कृष्णा। युवराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी बताएं। थोड़ा टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर। बोल रहे 29 तारीख 7/2003। जी और समय है 5:30 AM। जी तो बाबा हमको देखिए कि कहाँ का जन्म है? जन्म है वहाँ झारखंड का। क्या पूछना चाहते हैं बताएं? फिर बाबा हमको देखिए कि मैट्रिक का रिजल्ट कैसा आएगा। देखें कुंडली के आधार पर एक उपाय करो आप, सबसे पहले उपाय करो, समय आने वाला बहुत अच्छा होगा आपको। बुधवार के दिन 14 रुपए की हरी सब्जी 23 बुधवार तक गाय को दे दो, सबसे पहले इस उपाय को कर लीजिए, उसके बाद शनि का और गुरु का उपाय करेंगे, जीवन आपका मंगल में होगा। जय श्री कृष्ण। अब जैसा हमारा आपसे वादा था कि आज के महा उपाय में हम आपको बताएंगे कि शुक्रवार के दिन क्या काम करें और क्या काम ना करें। देखो शुक्रवार के दिन पारिवारिक काम कोई शुरू करना हो, कोई भी परिवार का काम, अच्छा गुप्त बातों का विचार बनाना हो, प्रेम विवाह, शुक्र ऐसे देवता हैं, ऐसे ग्रह हैं जो मित्रता बढ़ाते हैं,
वस्त्र धारण कराते हैं, मणि रत्न धारण कराते हैं, निर्माण कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इतर इतर जो होता है ना, सेंट परफ्यूम, नाटक हो, फिल्म हो, संगीत हो, इससे संबंधी कोई काम करना हो, कोई फिल्म बनानी हो, कहीं मीडिया में जाना हो, मीडिया भी शुक्र के अधीन ही आता है। ध्यान रखें, जब तक आपका शुक्र बहुत ज़्यादा प्रबल और बलवान नहीं होगा, आप मीडिया में सफल ही नहीं होंगे, ये भी ध्यान देना होगा। शिक्षा की प्राप्ति करनी हो, आपको अनाज भंडार भरना हो बहुत ज़्यादा, ये सब दिन शुक्रवार के लिए शुभ होते हैं। इस दिन ये काम करने से आपके बहुत सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं आपके गुडलक के। बच्चे कभी कभी घर में नहीं रुकते, बहुत समस्या है, सबकी समस्या है ना ये, कि बच्चे घर में नहीं रुकते, बार बार बाहर भागते, खाना खाया बाहर भाग गए, फिर खेलने चले गए, कुछ ना कुछ बहाना चाहिए दोस्तों से जाने के लिए, उनको घर में कैसे रुके। सुमेरु कछुआ मिलता है, उस पर सुमेरु यंत्र बना होता है, कछुआ होता है, उसको जल में डालकर अपने घर के उत्तर की दिशा में रख दो, बच्चों का बहुत ज्यादा समय घर में ही व्यतीत होगा, उनका मन लगेगा फिर घर में ही बार बार भाग के आ जाएंगे, मम्मी खाना दे दो, चाय दे दो, कोल्ड ड्रिंक दे दो, कुछ ना कुछ मांगेंगे, बस कोल्ड ड्रिंक मत पिलाया करो। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।